सामने हैं सेफली और उसके साथ आए हैं पिंकी और दूसरी तरफ है दया दीपिका मगर सेफली दिखा रहे हैं अपनी चैंपियनशिप बेल्ट दया दीपिका को मुझे लगता है वो उनको भूली कर रही है उनको दिखा रही है कि तुम इस चीज के लायक नहीं हो क्योंकि ये डिजर्व चैंपियनशिप मैं डिजर्व करती हूँ इसलिए शायद से पिंकी को बोल रही है कि मुझसे ना फाइट करके पहले तुम मेरी फ्रेंड पिंकी से फाइट करो अगर तुम इसे हरा पाई तो फिर तुम मिचे फेस करो इस सी डब्ल्यू डीवा चैंपियनशिप के लिए जी हाँ यहाँ पे दयादीप कौर सब जाय कर रही है कि उनको ये डीवा चैंपियनशिप चाहिए और यहाँ पे आज हमारा हिस्सा है जो कि डीवा स्मैच होने वाला है हमारी पिंकी जी वर्सेस दयादीप कौर के बीच में और और ये शुरुआत हुई है आप दयादीप कौर के फेस पे कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि वो कितनी आसानी से मुझे लगता है कि पिंकी को चित कर दी और ये क्या बहुत ही शानदार शोल्डर टैकल दुनिया हिलाती आया है यहाँ पे दयादीप कौर ने पिंकी का और यहाँ पे दयादीप कौर और ये क्या बहुत ही शानदार आर्म ब्रेक बहुत ही शॉकिंग आर्म ब्रेक है और ये क्या ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे उनके मुंह पे मार दिया है दयादीप कौर की पिंकी ने और ये मक्कर पे बस किया है और ये क्या बात ही शानदार प्रयोग है पिंकी ने भी है क्या किया है वन टू किक आउट और एक चीज बता दूं हिमांशु आपको कि दयादीप कौर जो है वो पंजाब की शेर ही है और दूसरी तरफ है पिंकी मगर मैं आपको बता दूं दयादीप कौर इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे चाहे भले ही उनके कोई भी बेहतर आजमा ले पिंकी क्योंकि उनकी आप उनके फेस पे कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि वो कितने काम जान रहे हैं उनको कोई असर ही नहीं हुआ कुछ भी उन्होंने पिंकी ने उनके साथ किया हो जी हाँ जी हाँ अगर उनको ये डीवा चैंपियनशिप चाहिए तो पहले उनको पिंकी को हराना पड़ेगा और ये क्या आज टक्कर दिया है और मुझे लगता है काउंटर के लिए जाएंगी दयादीप कौर और किकाउट उनका जी हाँ आप इनकी थोड़ी सी जगह दी गई है पिंकी जी ने इसका मतलब ये है कि पिंकी भी कमजोर नहीं है और यहाँ पे दयादीप कौर बॉल के नाम से उठा कर दिया पिंकी जी को थोड़ा मारते हुए दयादीप कौर और यहाँ सब को दे दिया है दयादीप कौर ने पिंकी को और यहाँ पे होल्ड किया है स्टिक पर होल्ड कर दिया है यहाँ पे दयादीप कौर ने यहाँ पे दयादीप कौर ने मैच में आगे ज्यादा समय शेफरी की तरफ है ऐसे फेंक दिया है जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं इस तरीके से दयादीप कौर ने पिंकी को फेंक दिया है जैसे कोई दूध में मक्खी गिर जाती है जैसे आपने देखा होगा जैसे निकाल के फाड़ फेंक देते हैं उसी तरीके से दयादीप कौर ने छटक दिया पिंकी को दयादीप कौर यहाँ बता रही है कि उनका कॉम्पिटिशन पिंकी बिल्कुल नहीं है उनको मैच चाहिए स्टेफनी के साथ फॉर द डिवास चैंपियनशिप मगर जो हमारी स्टेफनी है उनकी कोई टक्कर नहीं क्योंकि वो है हमारी सीडब्ल्यूई डिवास चैंपियन ओ यहाँ पे पिंकी ओ बताना चाहती है कि कब करके कि वो भी किसी से कम नहीं और वो भी इतनी आसानी से अपनी फ्रेंड से फाइट नहीं करने देंगी और ये ओ ये क्या कुछ स्पेशल जरूर लेके आ गए यहां पे पिंकी आज इस मैच में और पिंकी और ये क्या बेहतरीन कमेंट दिया है बेस्ट प्लेयर में भी है आप तो दूसरे और पिंकी है आप देखते हैं ये भी पिंकी
Oh my god. They are the Are you present at